हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो भाई, इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं वो टू पॉइंट चार्ज का सिस्टम होता है। मान लो टू पॉइंट, वन पॉइंट एंड टू पॉइंट। टू पॉइंट का क्या होता है, एक सिस्टम विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि इसका आकार इक्वल इज मैग्नीट्यूड। सो क्या होता है कि इसका इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका आकार अगर ये है तो इसका आकार भी ये होगा। इसका मैग्नीट्यूड सेम, इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों पॉइंट का। बट अपोजिट नेचर, नेचर जो होती है वो अपोजिट होगी। मान लो ये हमारा प्लस है तो ये वाला माइनस होगा, यानी कि इसको हम प्लस क्यू चार्ज ले लेते हैं, इसको माइनस क्यू। यानी कि इनके जो नेचर है वो अपोजिट हो गई, मैग्नीट्यूड सेम। एंड सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, और एक स्मॉल डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट्स चार्ज, दो पॉइंट्स चार्ज का एक सिस्टम होता है विच आर इक्वल मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है, बट अपोजिट नेचर, लेकिन इसकी जो ये नेचर है ये अपोजिट होगी। यानी कि एक जो पॉइंट चार्ज है वो प्लस होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स को इससे आगे हम मेजर करते हैं कि अगर ये जो लाइन होती है ना हमारी, ये लाइन ऐसे होती है, इसको हम बोलते हैं डायपोल एक्सिस। ये जो हमारी ये है डायपोल एक्सिस, जैसे कि हम एक्स एक्सिस लेते हैं उसी प्रकार डायपोल अगर निकालते हैं तो ये होगा डायपोल एक्सिस। और इनके बीच जो सेपरेट करती है ना, इसको बोलते हैं सेंटर डायपोल। ये कौन सा है, सेंटर डायपोल, ये हमारा सेंटर डायपोल। और ये एक इक्वेटोरियल लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है ये इक्वल करती है इन दोनों को, यानी कि इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइंस। और ये जो हमारा क्यू जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, यानी कि किसी भी पॉइंट पर अगर कोई भी चीज हो वो जीरो ही होती है। तो इसमें ये बताया गया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये होता है कि टू इक्वल चार्ज होते हैं एंड इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट इसकी नेचर होती है। और इनके बीच जो ये सीधी लाइन है इसको हम डायपोल एक्सिस बोलते हैं। एक जो सेपरेटेड करती है ना दोनों चार्ज को, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और जो बीच में ओरिजिन लेते हैं उसको बोलते हैं सेंटर डायपोल। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसी से डेफिनेशन बनती है और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ आया इलेक्ट्रिक डायपोल। इसके बाद का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि ऊपर पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल और इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स, यानी कि मोमेंट्स क्या होता है। तो देखो भाई, इसमें क्या होता है, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। हमने पढ़ा था कि ऊपर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। टू पॉइंट चार्ज लिए थे हमने, इनका क्या लिया था हमने, सेम मैग्नीट्यूड था, ये इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू लिया था ऊपर, इतना याद है आपको। तो उसके बाद देखो, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कौन सा था, यानी कि इनका जो सेम आकार को बोलते हैं, इनका जो सेम मैग्नीट्यूड है ना उसका मल्टीप्लीकेशन। मान लो ये चार्ज और ये चार्ज, इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन चार्ज, इसमें से हम वन चार्ज लेंगे। मान लो इसको हम पूरे को क्यू मान लेते हैं दोनों को, इसमें से हमने ये होता है भाई, इसको हम क्यू मान लेते हैं, क्या मानते हैं क्यू। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस, हमें ये पता है इनके बीच एक ओरिजिन होता है, होता है। अगर हम इससे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये लेते हैं और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये लेते हैं, तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो क्या होगी,
क्या होगी, 2a। तो इसने इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो इसी पर बेस बनेगा। कैसे बनेगा, वेक्टर पी क्या है, हम वेक्टर पी को क्या मानते हैं, हम सपोज वेक्टर पी को लेते हैं हम, ये होता है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये हमारा वेयर पी इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड क्यू इज चार्ज। क्यू जो हमारा चार्ज है और ए जो हमारा यहाँ पर ए है वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, यानी कि दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस को लेते हैं। तो इसे फॉर्मूला बनेगा कि डेफिनेशन के, इट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि इस मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन में हम क्यू ले लेते हैं, टोटल क्यू यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू को हम टोटल क्यू ले लेते हैं। तो हमने क्यू लिया ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या है, बीच की डिस्टेंस 2a, बीच की डिस्टेंस क्या है 2a, और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इस फॉर्मूले को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि हमारा HCl, हाइड्रोक्लोराइड, H2O, वाटर हो गया एक्स्ट्रा, ये इसके मेन एग्जाम्पल है। तो सेम दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल, दो पॉइंट होते हैं सिर्फ, इसमें ये बताना है कि एक इक्वेटोरियल लाइन है और ये हमारा डायपोल एक्सिस है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया ना, तो उसके ऊपर पी से डिनोट करते हैं हम डायपोल मोमेंट को, तो वेक्टर लगेगा। और सेम एज इट इज़ ये, इसके बाद हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और इनटू में इसकी डिस्टेंस एंड इनटू इनकी डिस्टेंस है हमारी 2a, तो हमने 2a ले लिया। इसका मेन फॉर्मूला है ये, और इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो होते हैं HCl, क्लोराइड हो गया और H2O हो गया, ये हमारे हैं मेन पॉइंट। तो आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज़।